खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते भारत, एबीपी न्यूज का मॉर्निंग प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अगले आधे घंटे तक देश की हर सियासी हलचल पर होगी हमारी नजर और साथ ही आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर खबर। नमस्ते भारत, मैं हूं आदर्श झा। तो हर जरूरी खबर जानने के लिए अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तीन एंकर, तीन स्टूडियो और एक नंबर वन शो, नमस्ते भारत। साथ आपके स्टूडियो तीन से मैं हूं कुमकुम बिनवाल। और आइए नमस्ते भारत की शुरुआत बंगाल के संग्राम से ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोलकाता में रोड शो में हिंसा के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज रात के बाद से चुनाव प्रचार पर लगा दिया है बैन। कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज के बाहर धधकती हुई आग की ये तस्वीरें दो दिन पुरानी हैं, लेकिन अभी भी बंगाल में सियासी गर्माहट बरकरार है। इस बीच चुनाव आयोग ने बंगाल के हालात को देखते हुए आज रात 10 बजे से प्रचार पर रोक लगा दी है। उन्नीस मई को आखिरी चरण में बंगाल के साउथ और नॉर्थ कोलकाता समेत 9 सीटों पर मतदान होना है। चुनाव प्रचार 17 मई की शाम तक होना था, लेकिन अब आज रात 10 बजे के बाद कोई भी प्रचार नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग ने खुद कहा कि शायद ये पहली बार है जब आर्टिकल 324 को इस तरह से लागू किया गया है, क्योंकि जो बंगाल के हालात है वो सबके सामने है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने गृह सचिव अत्री भट्टाचार्य और सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार को भी पद से हटा दिया है। चुनाव आयोग के इस एक्शन से पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान और तेज हो गया है। तमाम विपक्षी दल आयोग के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार बिगड़ते हालात को देखकर जब चुनाव आयोग ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया तो ममता बनर्जी कैसे तिलमिला गई, देखिए। दिल्ली के तख्त की आखिरी लड़ाई पश्चिम बंगाल के रण में तब्दील हो गई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के राज्य में 19 घंटे पहले प्रचार रोकने के फैसले को भी बीजेपी से प्रेरित बताया और पीएम मोदी अमित शाह पर जमकर हमला बोला। आफ्टर 6 o'clock 17 लोगों का कैंडिडेट के साथ मिलने का टाइम था, कैंडिडेट का लास्ट टाइम कैंपेनिंग करने का टाइम था। हाउ डू यू डिप्राइव द वोटर्स, द कैंडिडेचर, कैंडिडेट्स? बीजेपी का प्रचार शेष हो गया और आपका भी प्रचार शेष हो गया। व्हाई यू हैव डन दिस? ममता यही नहीं रुकी और उन्होंने पश्चिम बंगाल ही नहीं देश के अन्य राज्य के मतदाताओं से भी बीजेपी को वोट न करने की अपील कर डाली। मेहरबानी करके मेरे माइयों, माँ, मेरे भाइयों, मेरे पापा जी, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहनों, नौजवान लोग, मोदी को हटाओ, मोदी को देश से निकाल दो इलेक्शन का थ्रू में, वोट मत दो। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्त फैसला लिया है, जिसके चलते एक दिन पहले ही बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है। हालांकि इसके बाद सियासत भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की सख्ती को असंवैधानिक बताया है, तो मोदी से बैर रखने वालों ने भी दीदी के समर्थन में आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के इतिहास में ये एक काला दिन है। बीजेपी ने हिंसा की और अमित शाह ने धमकाया, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। 16 मई को मोदी जी की रैलियों को इजाजत दी गई और बाकी सब पर बैन लगा दिया गया। ये स्वतंत्र संवैधानिक तंत्र के लिए शर्मनाक गिरावट है। चुनाव आयोग के फैसले को सीपीएम ने भी पक्षपात बताया है। अगर ये प्रतिबंध 72 घंटे के लिए है तो रात 10 बजे क्यों शुरू हो रहा है? क्या इससे पहले पीएम की दो रैलियों को अनुमति देना है? हमने भी बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर कई शिकायती पत्र भेजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पश्चिम बंगाल के मथुरापुर और दमदम में पीएम मोदी चुनावी रैलियां करने वाले हैं। उनकी रैलियों के खत्म होने के बाद बंगाल में चुनाव प्रचार पर रोक लग जाएगी। इसी वजह से चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लग रहा है। देखिए, एबीपी न्यूज पर अपने तीसरे इंटरव्यू में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर कैसे गंभीर सवाल खड़े किए वो आपको दिखाते हैं। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चुनावी समर में एबीपी न्यूज को दिए अपने तीसरे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। ममता जी ने कहा है वो इंच इंच का बदला लेंगे, उन्होंने खुद ने घोषित किया और 24 घंटे में उन्होंने दिखा भी दिया, इसलिए उनके शब्द ही कह रहे हैं
कि ये सब किसने किया है। बंगाल में पंचायत का चुनाव हुआ, सैकड़ों हत्याएं हुई, फॉर्म भरने के लिए अदालत में जाना पड़ा, फॉर्म तक भरने नहीं दिया गया, तो एक पूरी तरह अलोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता को दबोच के रखा गया है। चुनाव के आखिरी दौर में पहुंचते पहुंचते मोदी और टीटी के बीच रार काफी बढ़ गई है। वहीं चुनाव के शुरुआती दौर में अभिनेता अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कहा था कि ममता दीदी उनके लिए कुर्ता और मिठाई भेजती हैं। ये ममता दीदी है। हाँ। साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। तो बेशक पश्चिम बंगाल से रोजाना हिंसा की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच चुनाव प्रचार भी चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कल बंगाल के डायमंड हार्बर में थे, वहां उन्होंने बदलाव का नारा दिया। दीदी का ये गुंडा तंत्र, उसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है। ये तो बंगाल में बदलाव का दौर है। ये तुम्हारे बदले के इरादे तो धरे के रह जाएंगे, ये बदलाव आगे बढ़ जाएगा। और यकीन मानिए, इस बार दीदी के भतीजे का डब्बा गोल है। अब देखिए, जिन महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपना जीवन समाज सुधारने में लगा दिया, उनके नाम पर अब कैसे गंदी सियासत हो रही है वो आपको दिखाते हैं। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो के दौरान विद्यासागर कॉलेज के सामने हुए टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के हिंसक झड़पों के केंद्र में आ गए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टीएमसी ने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी पर 120 साल पहले गुजर चुके महान सुधारक की मूर्ति को तोड़ने का आरोप लगाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जस्ट विकिपीडिया विल एंट्री विल नॉट गिव यू द फील ऑफ द मैन, दिस इज द हार्ट। हु अमंग यू who have studied in Bengal, who have had something to do with Bengal, have not experienced border pollution. वही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुद पलटवार किया और प्रतिमा की पुरानी फोटो को दिखाया, जिसमें ईश्वर चंद विद्यासागर की प्रतिमा कॉलेज के परिसर के कमरे में थी। ये 7:30 बजे की घटना है, कॉलेज बंद हो चुकी थी, सारा लॉक हो गया था। ये किसने खोला कमरा, कमरे किसने खोले, किसके पास चाबी होती है, कॉलेज पर किसका प्रशासनिक कब्जा है। ममता बैनर्जी समेत टीएमसी के ज्यादातर नेताओं ने अपने ट्विटर अकाउंट पर विद्यासागर की तस्वीर चस्पा कर दी। ममता ने पीएम पर महान विचारक की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। ममता ने विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के विरोध में कल कोलकाता में बेलिया घाट से श्याम बाजार तक पदयात्रा भी निकाली। बंगाल के बाद आ जाइए काशी, क्योंकि यहां है प्रियंका का मेगा रोड शो कल। जी हां, आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रियंका गांधी ने कल मोदी के गढ़ में बड़ा रोड शो किया। तस्वीरें कैसी उभरी देखनी चाहिए आपको। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी में प्रियंका गांधी और कांग्रेस ने दिखाई ताकत। प्रियंका ने काशी में 7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। काशी के लोगों ने प्रियंका गांधी के रोड शो में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पहले खबरें थी कि प्रियंका खुद वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के लिए रोड शो करने जरूर पहुंची। प्रियंका ने रोड शो की शुरुआत बीएचयू गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माला पहनाकर किया। मालवीय जी की प्रतिमा को भव्य तरीके से सजाया गया था। रोड शो के लिए एक खुली गाड़ी में प्रियंका के अलावा कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। देखिए, इस चुनाव में लोकतंत्र जीतेगा, सच्चाई जीतेगी, सत्य जीतेगा। प्रियंका के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने कांग्रेस के खेमे में नया जोश भी भर दिया है। अब तक अजय राय को मोदी के मुकाबले काफी कमजोर उम्मीदवार माना जा रहा था। वाराणसी में 19 मई को वोट डाले जाएंगे। तो काशी में प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर 7 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस रोड शो के दौरान कई अलग अलग तस्वीरें उभर कर आई, जिसमें एक तस्वीर में प्रियंका गांधी की दरिया दिली दिखाई दी। पूरा वाक्या क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वाराणसी में रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी का मानवता का रूप भी दिखा। रोड शो के दौरान प्रशांत नाम के शख्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रियंका को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने गाड़ी रुकवाई और उतर कर उसके पास गई। प्रियंका ने बेहोश प्रशांत को पानी पिलाया। प्रियंका ने सबसे पहले उसकी मदद करने और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की पहल की।
प्रियंका की सुरक्षा में लगे एसपीजी गार्ड ने प्रशांत को अस्पताल भिजवाया। बीएचयू में मालवीय प्रतिमा के पास प्रशांत सड़क पर डिवाइडर के पास खड़े होकर प्रियंका का रोड शो देख रहा था। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्रशांत एक निजी कंपनी में काम करता है जो आजमगढ़ का रहने वाला है। चेस्ट का प्रॉब्लम, सांस की वाला प्रॉब्लम हुआ है मेरे को। कौन देखने आया था आपको रास्ते में? अरे कोई नहीं, हम ऐसे आए थे आज। हाँ, प्रियंका जी आई थी हमको देखने। जल्दी जी। तो प्रियंका की ताकत, प्रियंका की दरिया दिली, और अब देखिए प्रियंका की भक्ति। प्रियंका गांधी ने काशी में शक्ति के साथ साथ भक्ति कैसे दिखाई, देखिए जरा। भोलेनाथ की नगरी है काशी, और जब यहाँ नेताओं की रैलियां और रोड शो हो और वो काशी विश्वनाथ के दर पर ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका गांधी भी काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद प्रियंका गांधी काल भैरव मंदिर पहुंची और पूजा की। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। मान्यता है कि वाराणसी का दौरा काल भैरव के दर्शन के बगैर अधूरा है। काल भैरव मंदिर में दर्शन के दौरान प्रियंका गांधी के सामने एक अजीब स्थिति भी बन गई। प्रियंका के सामने ही कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। जब प्रियंका के समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे सुने तो उन्होंने राहुल राहुल के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखिए दूसरा पक्ष जो राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहा है, राहुल गांधी जिंदाबाद कर रहा है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले चुनाव जीतने की लालच में नेता कैसे भाषा की मर्यादा तोड़ते जा रहे हैं, अब वो हम इस बयान के जरिए आपको दिखाने वाले हैं, जहां समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को गुंडा बता दिया। कोलकाता में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बीजेपी पर हमला बोला, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने मर्यादा लांघ दी। नंदा ने पीएम मोदी और अमित शाह को गुंडा बता दिया। कौन चेहरा से भाषण दिया नरेंद्र मोदी को? कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है? लग रहा है कोई गुंडा भाषण देता है। ममता जी जो बोला अमित शाह नरेंद्र मोदी दोनों गुंडे हैं, ये ममता जी का बयान नहीं है, हम लोग का सबका बयान है। गुंडा जिस तरीके का आचरण करते उनका बॉडी लैंग्वेज इस तरीके ही हो रहा है। नंदा ने कहा कि बंगाल में जो भी हिंसा हो रही है उसके जिम्मेदार बीजेपी है। ये देख रहे हैं ना आप, गंदी बात का सियासी पाठ खत्म ही हुआ है। अभी पीएम मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने वालों में झारखंड के शिबू सोरेन का नाम भी जोड़ लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर दी। दरअसल पीएम मोदी संताल परगना में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, जिस पर बोलते हुए सोरेन की जुबान विवादित हो गई। बता दें कि संताल क्षेत्र में 3 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर 2 पर सोरेन की पार्टी का कब्जा है और बीजेपी इन्हीं को जीतने की कोशिश कर रही है। बिहार शरीफ की रैली में तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर हमला बोला है, क्या कहा उन्होंने आपको दिखाते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार शरीफ में रैली करने पहुंचे और बात बात पर पाकिस्तान जाने की नसीहत देने वाले गिरिराज सिंह पर हमला बोला। बोलता है कि पाकिस्तान भेज देंगे, हम बोलते हैं गिरिराज सिंह के बाप का देश है जो हमने के पाकिस्तान भेज देंगे। तेजस्वी यादव ने मन से प्रशासन को भी चुनौती दी और कहा कि अगर प्रशासन ने चुनाव के दौरान पक्षपाती होकर काम किया तो जनता खुद हाथों में कमान ले लेगी। और अब आपको असम के गुवाहाटी से दिखाते हैं एक बड़ी खबर। असम की राजधानी गुवाहाटी में कल रात करीब 8 बजे ग्रेनेड ब्लास्ट से सनसनी फैल गई। ये घटना गुवाहाटी में जू रोड पर मौजूद सेंट्रल मॉल के बाहर की है। ग्रेनेड ब्लास्ट में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ब्लास्ट के बाद गुवाहाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। और अब आपको वो एक अच्छी खबर बताते हैं जो हौसलों की उड़ान की कहानी बयां कर रही है।
मध्य प्रदेश में चौकीदार के बेटे ने कमाल कर दिया है। आयुष्मान ताम्रकर ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 नंबर लाकर टॉप किया। सागर जिले के रहने वाले आयुष्मान की माँ भी मजदूरी करती है। मेरे पिताजी एक मैरिज हॉल में वॉचमैन है। और माता क्या करती थी? आप भी कभी कभी कुछ खर्चा निकाल लेते थे पढ़ाई का? हाँ, निकाल लेते थे, मम्मी के साथ काम करवाता था मैं। कामयाबी की एक कहानी हरियाणा से भी आई। भवानी खेड़ा के रहने वाले राजमिस्त्री राय सिंह के बेटे दीपक ने साइंस साइड में 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। मैं इस सफलता पर बहुत ज्यादा खुश हूँ। यह खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी है। इस खुशी को मैं अपने परिवारजनों के साथ और अपने अध्यापकों के साथ बांटना अच्छा मानता हूँ।